अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड हैं, तो लास्ट वीक से एक मैसेज तो आपको जरूरी मिला होगा, या फिर इस मैसेज के बारे में कोई ना कोई बात तो सुनी ही हो। जैसे ही जुलाई स्टार्ट हुआ, फेसबुक पोस्ट और ट्वीट्स और दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट के साथ साथ व्हाट्सएप मैसेजेस में भी एक बात फैलाई जाने लगी कि 4 जुलाई से 22 अगस्त तक दुनिया भर का मौसम ठंडा हो जाएगा और इस दौरान लोग बीमार भी हो जाएंगे, इनके गले भी खराब होंगे, और ऐसा सब कुछ अपीलियन फिनोमेना की वजह से होगा, जिसे 4 जुलाई के बाद से ना सिर्फ लोग इसके असरात को देखेंगे बल्कि इनका तजुर्बा भी करेंगे। और तो और, इस दौरान लोग सर्दी के मौसम का तजुर्बा भी करेंगे जैसे कि पहले कभी हुआ ही नहीं था, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में दर्द और गला भर जाता है, जबकि बुखार, खांसी और सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होती है। और इस सबके बाद लोगों को मशवरा दिया गया कि इस दौरान विटामिन्स और दूसरे सेहतमंद खाने की तरफ जाएं और अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने की कोशिश करें। लेकिन भाई को ये भी तो पता है कि अपीलियन फिनोमेना आखिर होता क्या है। बकौल इनके, आम तौर पर सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला 90,000 मिलियन किलोमीटर होता है, लेकिन इस एपिलियन फिनोमेना के दौरान दोनों के दरमियान फासला बढ़कर 1,52,000 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि फासले में 66% इजाफा हो जाएगा। और ये सब कुछ सुनकर लोग इतना परेशान हो गए कि उन्होंने बगैर सोचे समझे अपने अजीजों और रिश्तेदारों तक ये फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन दर हकीकत ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब हम फैक्ट्स की बात करें तो अपीलियन फेनोमेना एक टर्म है। जी हाँ, ऐसा है और ऐसा हर साल होता है और इसमें कोई नई बात नहीं है। और इस टर्म को सूरज और ज़मीन के दरमियान फासले की बात करते वक्त यूज़ किया जाता है। साइंसी वेबसाइट space.com के मुताबिक अपीलियन फिनोमेना की टर्म उस वक्त यूज़ की जाती है जब सूरज ज़मीन के थोड़ा सा दूर हो जाता है, और इस साल ऐसा हुआ भी। 4 जुलाई को सूरज ज़मीन से 15,21,00,000 किलोमीटर के फासले पर था, और ये दिन सिर्फ साल में एक ही बार आया, और ये सिलसिला मिनट्स तक रहा, जिससे इंसान और इस दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह एक और टर्म भी है, प्रीहीलियन, वो उस वक्त यूज़ की जाती है जबकि सूरज ज़मीन के करीब तरीन आ जाता है, और ऐसा होगा नेक्स्ट ईयर 3 और 4 जनवरी के दरमियान होगा। अपनी कैलेंडर में टिक मार्क कर लीजिए। प्रीहीलियन के वक्त सूरज ज़मीन से 14,95,00,000 किलोमीटर के फासले पर होता है, और इस वक्त जुलाई के मुकाबले में सूरज ज़मीन के थोड़ा करीब आ जाता है, मगर ओवरऑल एपिलियन फिनोमिना और प्रीहीलियन के दरमियान फासले का फर्क बमुश्किल 1.5% तक होता है। ये 66% वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों सूरतों के दरमियान कायनात के निज़ाम समेत इंसानी ज़िंदगी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इस बात का एहसास इंसानों को होता है। लेकिन ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो कुछ लम्हों तक रहता है, जिसके बाद तमाम मामला अपने रूटीन पर आ जाते हैं। तो काइंडली ऐसे मैसेजेस पर कान ना धरा करें, थोड़ा सा सर्च करें कि आया कि ये न्यूज़ सही है भी या नहीं, और उसके बाद अपने प्यारों को उस खबर से आगाह करें।